2018 एनसीएल का क्वेश्चन पेपर को हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए कोल सीम इज सेट टू बी डिग्री 3 इफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज इज मोर देन, और आपको 2, 10, 15, 20 ऑप्शन दिया है। ये कुछ नहीं, डिग्री 3 गैसी माइन का डेफिनेशन आपको पूछ लिया है, ठीक है। तो डिग्री 3 गैसी माइन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम जब हम करते हैं तो वहां देखते हैं कि हम तीन तरीके से कोल सीम को क्लासिफाई करते हैं, डिग्री 1 गैसी माइन, डिग्री 2 गैसी माइन और डिग्री 3 गैसी माइन, ठीक है। इसको क्लासिफाई करने का बेस क्या है? इसका बेस है, एक है परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल गैस फाउंड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर, एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि एक टन कोयला हम उत्पादन करते हैं तो कितना गैस वहां पर निकलता है, इनफॉर्मल गैस या मीथेन है जिसको हार्डम बोलते हैं। आपको पता है मीथेन का एक प्रॉपर्टी है कि मीथेन इज फाउंड इन कोल सीम इन इनहेरेंट स्टेट। क्या मतलब होता है इसका? इसका कुछ हो मतलब नहीं, इसका मतलब है कि कोल सीम में मीथेन समाहित है, उसके अंदर दबा हुआ है, चुपके से बैठा हुआ है। जैसे हम ब्लास्टिंग करेंगे या कोई कोल कटिंग मशीन से कोयला को काटेंगे, या सियरर है, कंटिन्यूस माइनर है, प्लाव है, तो क्या होगा कि वो गैस जो दबा हुआ है वो इनहेरेंट मीथेन जो है धीरे धीरे निकलने लगता है, जिससे हमारे वर्किंग में इनफॉर्मल गैस आ जाता है। तो उसको मेजरमेंट करने का दो तरीका, एक तो परसेंट ऑफ इनफॉर्मल गैस और दूसरा क्या बोले, एक टन कोयला उत्पादन पर, ये रेज लिखा है, इसका मतलब रेजिंग मतलब एक टन प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो कितना गैस निकल रहा है, यही, ठीक है। तो हमारे पास तीनों डिग्री है तो तीनों डिग्री को ना देख लें, यहां हम डिग्री 1 गैसी माइन सबसे बड़ा डेफिनेशन इसी का है, ठीक है। इसमें तीन क्राइटेरिया लेते हैं, डिग्री 2 को डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया लेते हैं और डिग्री 3 को डिफाइन करने के लिए एक ही क्राइटेरिया लेते हैं। अब जैसे जैसे नंबर गैस डिग्री 1 से डिग्री 2 होगा, डिग्री 3 होगा, तो गैस का खतरा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो डिग्री 1 किसको बोलते हैं? इसमें बताया तीन पैरामीटर, क्या बोला कि यदि आपके कोल सीम में गैस मिलता है तो भी और ना मिलता है तो भी, उसको हम डिग्री 1 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कहने का मतलब कि यदि गैस नहीं मिलता है तो भी उस कोल सीम को हम किस में क्लासिफाई करेंगे? डिग्री 1 में, ठीक है। यदि गैस मिलता है बोला तो मिलता है तो कितना परसेंट, परसेंट करना बताएगा। हम बोला ना दो क्राइटेरिया, एक परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल गैस और दूसरा रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफॉर्मल गैस। तो यदि परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, यदि वहां पे यदि गैस मिलता है तो परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, आईजी लिखा मतलब इनफ्लेमेबल गैस, नॉट मोर देन 0.1%। इनफ्लेमेबल गैस किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 0.1% से ज्यादा नहीं चाहिए। डिग्री 1 के डेफिनेशन में याद रखेगा, नॉट मोर देन है दोनों केस में, नॉट मोर देन है दोनों केस में। इसी में कंफ्यूजन होता है, आपको ऑप्शन दे देगा 0.1, लेस देन 0.1, नॉट मोर देन 0.1, और सब में 0.1 में अब जीरो हो क्या जाएगा, पॉइंट भूले जाइएगा, ठीक है। क्या बोला? नॉट मोर देन 0.1%, मतलब 0.1% से अधिक गैस यदि वहां पर जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं मिलता है तभी उसको हम क्लासिफाई करेंगे डिग्री 1 में। और दूसरा क्या क्राइटेरिया बोला? रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस, गैस मतलब इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है। वो कितना बोला? नॉट मोर देन, हम बोले नॉट वाला क्या लगे, नॉट मोर देन या डज नॉट एक्सीड, एक के बात हो, नॉट मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड और कोल रेज्ड, या एक टन कोयला उत्पादन पर 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस नहीं निकलना चाहिए तभी उस कोल सीम को हम डिग्री 1 बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं डिग्री 2 पर। अब किस पे आते हैं? डिग्री 2 गैसी सीम पर आते हैं, डिग्री 2 गैसी सीम पर आते हैं, ठीक है।
डिग्री टू में दो क्राइटेरिया बोला, डिग्री वन में बोला कि नहीं है गैस मिलेगा तो भी उसको हम डिग्री वन ही बोलेंगे, और मिलता है तो उसका दो क्राइटेरिया बता दिए। डिग्री टू के लिए अब क्या क्राइटेरिया, परसेंटेज ऑफ इंटरनल गैस, क्या बोला परसेंटेज ऑफ इंटरनल गैस, ये रहेगा मोर देन 0.1%, मोर देन 0.1%। डिग्री वन में क्या था, नॉट मोर देन 0.1%, और यहां पर है मोर देन 0.1%। और दूसरा चीज क्या करते बोला, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस, इसमें क्या रहेगा 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, बट डज नॉट एक्सीड, ये सिंबल लगा दिया, बट डज नॉट एक्सीड 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आते हैं डिग्री थ्री के बारे में। डिग्री थ्री में क्या होगा, इसमें एक ही क्राइटेरिया रेट ऑफ इमिशन ऑफ इंटरनल गैस का, और वो है मोर देन 10 क्यूबिक पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, इतना ही क्राइटेरिया है डिग्री थ्री का, एकदम छोटा सा। डिग्री थ्री को डिफाइन करने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि एक टन कोयला यदि हम उत्पादन करते हैं तब गैस निकलने का जो दर है वो 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। तो अब इसमें कौन सा आएगा भैया, ये आ गया 10 क्यूबिक मीटर। आप बोलेंगे 10 क्यूबिक मीटर पर टन से ज्यादा तो 15 भी ज्यादा है, 10 से 20 भी है, ये कहीं लिख दिया बात आता ना। अरे भैया डेफिनेशन ना पूछा आपसे, क्या लिखा है डेफिनेशन, 15-20 लिखा है, नहीं वहां लिखा है, क्या लिखा है कि डिग्री थ्री गैसेस सेम मींस अ कोलसी मार्ट पार्ट देयर ऑफ लाइंग विद इन द प्रेसेंस ऑफ ए माइन नॉट बिलोंगिंग टू ओपन कास्ट वर्क इन वेयर द रेट ऑफ इनपुट गैस डज ना एक्सीड्स 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। आपको डेफिनेशन पूछ रहा है, और वो डेफिनेशन को हम यहां बहुत शॉर्ट में तीनों को बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय का भी अभाव है। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 28 रिपोर्टेबल इंजुरी मींस एनी इंजुरी अदर देन सीरियस इंजुरी व्हिच इन्वॉल्व्स द इनफोर्स्ड अब्सेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ, ये हम सब हम बात बताएंगे, पहले समझिए ये जहां जहां अंडरलाइन के इनफोर्स अब्सेंस मतलब मजबूरन, इनफोर्स अब्सेंस मतलब मजबूरन गैरहाजिर रहने के लिए आदमी मजबूर हुआ है, मतलब आदतन नहीं, आदमी क्या हुआ मजबूर हो गया अब्सेंस अनुपस्थित रहने के लिए, अब्सेंट रहने के लिए मजबूर हो गया, कौन इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क, काम से गैरहाजिर रहने के लिए कोई आदमी मजबूर हुआ है कितने पीरियड के लिए वो उसको बता रहा, कौन सा इंजुरी की बात कर रहा है, रिपोर्टेबल इंजुरी। रिपोर्टेबल इंजुरी ऐसी इंजुरी बोलते हैं जो कि सीरियस बॉडली इंजुरी नहीं है, और उसमें कोई आदमी अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ हो, और आप जो ये पेपर में बैठे होगा 2018 का उसका बहुत अच्छा किस्मत रहा होगा, उसमें ऑप्शन था 72 आवर्स आर मोर, यहाँ पे लिखा हुआ 72 आवर्स आर मोर, दूसरा दिया है 2 डेज आर मोर, तीसरा दिया 48 आवर्स आर मोर, और लास्ट दिया था 1 वीक। लेकिन यही सेम क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में, ऐसा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कंपटीशन में ऐसा दिया था, और ये घुमा देगा। अभी हम सत्यजीत से बात कर रहे थे, उसको भी हमें पता है, ठीक है फोन में बात कर रहे थे, 72 आवर्स आर मोर, 72 आवर्स, लेस देन 72 आवर्स, मोर देन और लेस देन 72 आवर्स, सब ऑप्शन में 72 आवर्स है, और जो बढ़िया से पढ़ के नहीं गया होगा तो उसका गड़बड़ा जाएगा। देखिए इसमें क्या है, रिपोर्टेबल इंजुरी का याद रखिएगा, और हम फेटल एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट और डिजास्टर, इस सब का डेफिनेशन कोई ना कोई वीडियो में बताए होंगे, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखता है वो देख के बताएगा कि ये सब चीज बताया है कि नहीं, नहीं बताया होगा तो एक दिन उसके ऊपर वीडियो ले लेंगे, वो बड़ा जरूरी चीज है, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास वाले को तो बताए थे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले को बताए, आप लोग को बताए कि नहीं, एनसीएल एमसीएल वालों को, जो रेगुलर देख रहा हो देख के कमेंट करेगा क्या ये बताया हुआ है,
मेजर एक्सीडेंट ये फलाने जितने भी टाइप के एक्सीडेंट है वो बताया है या नहीं बताया, नहीं बताया तो हम लिख कर लेंगे। तो रिपोर्टेबल इंजुरी में एकदम याद रखना है ये वर्ड 72 आवर्स आर मोर, डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन में क्या लिखा है 72 आवर्स आर मोर मतलब कोई आदमी 72 घंटा या उससे अधिक के लिए काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ है, ऐसे इंजुरी को हम रिपोर्टेबल इंजुरी बोलते हैं। लेकिन ये रिपोर्टेबल इंजुरी सीरियस बॉडली इंजुरी या सीरियस इंजुरी नहीं है, ठीक है। रिपोर्टेबल इंजुरी मीन्स एनी इंजुरी अदर देन ए सीरियस इंजुरी विच इन्वॉल्व आर इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व द इम्पोज्ड एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ 72 आवर्स आर मोर। क्या वर्ड है याद रखिएगा 72 आवर्स आर मोर, बाकी 72 में मत फंसेगा। 72 घंटा या उससे अधिक के लिए काम से गहराजी रहने के लिए कोई आदमी मजबूर हो गया है तब वो ऐसी चोट को इंजुरी को हम रिपोर्टेबल इंजुरी बोलते हैं। क्या बोला बाबू हम 5 बार बोल दिए क्या लगा, रिपोर्टेबल इंजुरी में क्या आएगा 72 आवर्स आर मोर। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज क्यों इतना ये हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 इसको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप लोगों का पेपर है नहीं वाला। क्वेश्चन नंबर 29 का कोलसिम्स आर नॉर्मली फाउंड इन, मतलब कोलसिम कहां मिलता है, ठीक है। इग्नियस रॉक में, सेडिमेंटरी रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, तीनों टाइप का रॉक है, किस में मिलता है कोलसिम, किस किन रॉक्स में मिलता है, किस रॉक में मिलता है, ठीक है। कोल बेयरिंग रॉक्स या कोल मेजरिंग रॉक्स, ऐसा वर्ड सुने होंगे आप, कोल बियरिंग रॉक्स और कोल मेजिंग रॉक्स बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक को। सेडिमेंटरी रॉक किसको बोलते हैं, जो परत दर मिलता है, चादर के रूप में मिलता है, लेयर्ड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, बेडेक फॉर्म में मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटरी रॉक। और कोल भी एक क्या है, कोल भी वन टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। लेकिन ये नहीं पूछा क्वेश्चन, सिर्फ ये बोला कि कोयला के ऊपर है कोयला के नीचे, मतलब कोलसिम के ऊपर है कोलसिम के नीचे कौन सा रॉक रहेगा, वो रॉक रहेगा, मतलब किस टाइप के रॉक में कोयला मिलता है, तो कोल बेयरिंग रॉक या कोल फार्मिंग रॉक या कोल मेजरिंग रॉक बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक को। तो आपका तो ये कंप्लीट हो गया 29, किस में मिलता है कोयला, कोलसिम के ऊपर या नीचे कौन सा रॉक होगा, सेडिमेंट्री रॉक। ये क्वेश्चन नंबर 30 सबसे महत्वपूर्ण चीज है, माइनिंग वाले को ये समझना चाहिए, एग्जाम में तो आया ही था, ऐसे भी मालूम होना चाहिए। इन कंटिग्यूस सीम द पार्टिंग बिटवीन टू सीम इज विद इन, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, 13 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर, 14 मीटर, कुछ हो दे देगा, ठीक है। तो आपको परफेक्ट डेफिनेशन मालूम चाहिए। कंटिग्यूस सीम का डेफिनेशन कहां लिखा है बाबू, डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 निकालिएगा, उसका पेज नंबर 293 निकालिएगा, उसके बीचों बीच में कहीं लिखा होगा कंटिग्यूस सीम या कंटिग्यूस वर्किंग, कंटिग्यूस सीम बोलिए कंटिग्यूस वर्किंग बोलिए वर्क के बात हो गया, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है। क्या है पहले समझ लीजिए, मल्टी सेक्शन और कंटिग्यूस सीम में बहुत सा माइनिंग का बच्चा लोग अंतर ही नहीं समझता, सोचता एक ही चीज है, एक क्या नहीं, दोनों अलग अलग चीज है और इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। मेरा एक कोल सीम है, क्या है ये कोल सीम है, ठीक है, और एक यहां पे कोल सीम है, मल्टी सीम है, मल्टी सीम मतलब एक से अधिक सीम है, दो सीम हो सकता है, 3-4-5, ये जरूरी कि इसका मोटाई और इसका मोटाई कोलसिम का बराबर हो, तो ये दोनों सीम के बीच क्या है, ये पार्टिंग है, ये पार्टिंग पूछ रहा कि दो कोई भी दो सीम, मान लो और एक सीम इधर भी है, ठीक है, एक इधर भी सीम है, मान लो तो दो सीम, अब इसके लिए कौन सा हो जाएगा, दो सीम ये वाला हो जाएगा, इसके लिए दो सीम ये हो जाएगा, तो कोई भी दो कोल सीम के बीच का मिनिमम पार्टिंग, मतलब पार्टिंग कितना रहेगा, तब ये दोनों सीम को हम कंटिग्यूस बोलेंगे, वो लिखा हुआ है पेज नंबर 293 में डीजे देशमुख के वॉल्यूम 1 में। तो क्या बोलता है कि ये दो कोल सीम को हम तभी कंटिग्यूस सीम बोलेंगे यदि ये जो पार्टिंग है ये पार्टिंग 9 मीटर से कम हो, लेस देन 9 मीटर। क्या लिखा है, पार्टिंग किससे कम हो, लेस देन 9 मीटर, तभी ये दोनों सीम को, मान लो ये सीम ए है
और ये सिम बी है, तो सिम ए एंड बी इज कॉल्ड आर सेट टू बी कंटिग्यूस सिम इफ द पार्टिंग बिटवीन टू सिम इज लेस देन 9 मीटर। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया है, ये 9 मीटर। तो ये तो कंटिग्यूस सिम का बात हुआ, तो मल्टी सेक्शन क्या है, मतलब जहां मल्टी सिम होगा वहां पर बात आएगा इसका। ठीक है, लेकिन यही सिम ए और बी यदि 9 मीटर से ज्यादा पार्टिंग है तब वो कंटिग्यूस सिम नहीं कहलाएगा, तब वो कंटिग्यूस सिम नहीं रह गया। ठीक है, मल्टी सिम हो गया। ठीक है, उससे कोई लेन देन नहीं, कहे कह नहीं बोल रहे, इसलिए कि ये पास में ना है, दोनों का पार्टिंग कम है, तो एक में हम काम करेंगे तो हो सकता है दूसरे पे असर पड़े, इसीलिए वहां पर हमको स्पेशल प्रिकॉशन लेना होगा। यदि वो कंटिग्यूस सिम है तो मान लो एक सिम है और दूसरा सिम, दोनों के बीच का पार्टिंग 60 मीटर है या 50 मीटर है या 400 मीटर है, तो हम नीचे के सिम में काम करेंगे तो ऊपर में कुछ असर नहीं होगा, या ऊपर में काम करेंगे तो नीचे में कोई असर नहीं होगा, बहुत बड़ा पार्टिंग है। लेकिन ये तो लेस देन 9 मीटर यदि दोनों के बीच का पार्टिंग है, पार्टिंग मतलब यहाँ कोयला नहीं है बाबू, यहाँ पत्थर रहेगा, ये वाले पोर्शन में क्या रहेगा, गोटा मिट्टी पत्थर रॉक्स है, पार्टिंग रॉक्स का। ठीक है, तब उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कंटिग्यूस सिम। ठीक, अब एक वर्ड आता है मल्टी सेक्शन, एक और क्या वर्ड आता है, मल्टी सेक्शन। तो मल्टी सेक्शन जो है कब होगा, जब आपका थिक सिम है, ये मतलब मेरा बहुत मोटा सिम है, थिक सिम किसको बोलते हैं, अब डीजेस वॉल्यूम 1 पढ़िएगा, उसमें थिक सिम का डेफिनेशन दिया है कि 4.5 मीटर से या उससे अधिक को थिक सिम बोलते हैं, लेकिन आज के प्रस्पेक्टिव में 4.8 मीटर को थिक सिम बोलते हैं, 4.8 मीटर या उससे अधिक मोटा सिम को क्या बोलते हैं, थिक सिम बोलते हैं। और डीजेस साहब के बुक में कितना लिखा, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर लिखा है, लेकिन ये वाला डाटा अब इंडिया में एप्लीकेबल हो गया, 4.8 मीटर यदि आपको आ जाए 4.8 मीटर डालिएगा, लेकिन 4.8 मीटर नहीं 4.5 आ गया तो 4.5 पे टिक मार दीजिएगा। ठीक है, हम दोनों का बता दिया आपको। ठीक, तो ये मेरा बहुत मोटा सीम है, मतलब मोटा सीम मतलब 4.5 मीटर से ऊपर तभी ना मोटा बोलते, तो मान लो ये मेरा 15 मीटर का सीम है, ये कितना मोटा है 15 मीटर का, तो आप 15 मीटर को एक साथ वर्किंग कर सकते हैं कि आपका रेगुलेशन 111 क्या बोलता है कि 3 मीटर ज्यादा आप गैलरी का हाइट नहीं रख सकते, बोलते रहिए, तो 3 मीटर ज्यादा आप गैलरी का हाइट नहीं रख सकते, 15 मीटर कैसे निकलूंगा, तो इसको क्या करूंगा, इस सिम को कई भाग में तोड़ दूंगा, कई भाग में हम वर्किंग करूंगा, तब बोलेंगे हर एक भाग को सेक्शन, क्या बोलेंगे, सेक्शन, लोअर सेक्शन, मिडिल सेक्शन, अपर सेक्शन। ठीक है, इस टाइप का, ज्यादा मोटा है तो 3 भाग में बांटूंगा, थोड़ा कम मोटा है तो 2 भाग में बांटूंगा, लोअर सेक्शन और अपर सेक्शन, कैसे करते हैं हम। ठीक है, इसको देख लीजिए, एक सेक्शन से देखिए तब समझ आएगा, ये प्लान एंड सेक्शन करके वर्ड पढ़ते हैं जी, ये मान लो मेरा 15 मीटर का एक सीम है, कितना है 15 मीटर का एक थिक सीम है, हम क्या करेंगे, यहां अलॉन्ग फ्लोर हम जो है मान लो 3 मीटर का, यह ऐसा बताया मतलब डेवलपमेंट को दिखाता, वर्किंग को दिखाता, ऐसा पेट फाड़ दिया तो ठीक है, ये क्या कर लिया मैंने, एक डेवलपमेंट कर लिया, कितने का मान लो 3 मीटर का कर लिया, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर हम मिनिमम 5 मीटर यहां पे कोल पार्टिंग छोड़ देंगे, ये कोल पार्टिंग है, ये कितना है 5 मीटर मान लो हमने छोड़ दिया, क्यों करेंगे बता रहे, 5 मीटर ये क्या बोला, कोल का पार्टिंग, कोल पार्टिंग। ठीक है, पत्थर देगा सीम है ना पूरा, फिर इसके ऊपर 3 मीटर का फिर हम क्या करेंगे, फिर डेवलपमेंट कर देंगे ये 3 मीटर, तो 3 मीटर यहाँ, 3 मीटर 6 और 5 मीटर यहाँ छोटा, कितना हो गया 6, 5, 11 मीटर, बाकी बचा कोयला को रूप में छोड़ देते हैं, डिपरिंग के टाइम उसको ले देते हैं। ठीक है, और जब डिपरिंग करेंगे का बात आएगा तब बताएंगे। इस टाइप से हम, तो एक ये मेरा सेक्शन बना और एक मेरा ये सेक्शन बना, तो इन ये थिक सिम में ये हो गया लोअर सेक्शन, ये हो गया अपर सेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो ये सेक्शन हुआ, सेक्शन थिक सिम में आता है, तो इतना हो गया। अब आपका रेगुलेशन 118 है, उसको बड़ा प्यार से हम डिप्लोई वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, रेगुलेशन 118 हम भेजे है और मल्टी सेक्शन और कंटिन्यूस सिम का एक्सप्लेनेशन भेजे है, यहाँ रेगुलेशन 118 में 4 को 5 को बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या बोलता है कि
ये फिगर से समझिए तब जल्दी समझिए। ये मेरा एक कोल सीम है, ये क्या है कोल सीम है, मतलब अपर सीम है, इसको इसको अपर कोल सीम लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये अपर कोल सीम हो गया और नीचे में मान लो मेरा एक लोअर कोल सीम है। सीम बोलो या कोल सीम बोलो एक ही बात होता है, ठीक है। या फिर कंटिन्यूस वर्क किया या आपका ये मल्टी सिम हो गया, और यदि आपका एक मोटा सिम था तो एक आपका ये सेक्शन है अपर सेक्शन और ये लोअर सेक्शन, ठीक है। बीच में यहां पे जो पार्टिंग है ये सेक्शन जब बोल रहा है तो कॉल पार्टिंग रहेगा, ठीक है। और जब सिम की बात आएगा तो यहां जो पार्टिंग रहेगा वो रॉक्स का रहेगा, ये वाला पार्टिंग क्या करेगा पार्टिंग रहेगा रॉक्स का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ तो क्या बोलता है रेगुलेशन 118 का पहला भाग बोलता है कि ये लोअर सेक्शन या ये लोअर सिम यदि कोलैप्स होने का डर है तो अपर सिम में या अपर सेक्शन में काम नहीं करेंगी, ठीक है। क्या बोला, कुछ नहीं बोला, वहां लिखा होगा आपके बुक में बड़ा लंबा चौड़ा उसको हम छोटा कर बोला, नो वर्किंग इन अपर सिम आर अपर सेक्शन शैल बी डन इफ लोअर सिम आर लोअर सेक्शन मे कोलैप्स। यदि लोअर सिम या लोअर सेक्शन कोलैप्स होने का डर है तो आपको अपर सिम में या अपर सेक्शन में काम नहीं करना है, ठीक है। यही बोलता हूं एक नंबर। दूसरा नंबर क्या बोलता, सुनते जाइए, लिखने के लिए चक्कर मत आइए, सुनिए ना 10 बार अपने आप समझ आएगा, सुनने समझ आता है। दूसरा बात क्या बोलता है, आपको यदि कंटिन्यूस सिम है आपका, मतलब ये दोनों सिम के बीच का पार्टिंग जो है वो 9 मीटर से कम है तो उसको कंटिन्यूस सिम बोलते हैं, बोलते ना बाबू अभी बता नहीं यहाँ पे आंसर में। और यदि आपको मल्टी सेक्शन में काम करना है तो आपको डीजीएमएस मतलब चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना होगा फॉर वर्किंग मल्टी कंटिन्यूस सिम। कंटिन्यूस सिम मतलब दो सिम के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर से कम है, फॉर वर्किंग कंटिन्यूस सिम आर मल्टी सेक्शन परमिशन फ्रॉम सीआईएम इज रिक्वायर्ड। किससे परमिशन लेंगे, 118 के तहत क्या रखिएगा परमिशन, परमिशन किससे लीजिएगा सीआईएम से, ठीक है। तीसरा बात क्या बोलता कि मान लो हम ये वाला केस लिया अपर सीम और लोअर सीम वाला कंटिन्यूस सीम वाला जिसमें कि पार्टिंग जो है या जो रॉक्स का पार्टिंग 9 मीटर से कम है वो अलग केस लिया अभी, या ये वाले के लिए एक ही बात है। यदि ये अपर सिम और लोअर सिम का जो पिलर के ऊपर पिलर और गैलरी के ऊपर गैलरी बनाएंगे जिसको बोलते हैं वर्टिकल सुपर इम्पोजिशन, क्या बोलते हैं उसी को वर्टिकली सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोजिशन की स्थिति में रहना गैलरी के ऊपर गैलरी रहेगा, मतलब अपर सिम का जो गैलरी होगा वो नीचे लेके भी में गैलरी रहेगा, टॉप सिम का जो पिलर है उसके नीचे बॉटम का भी उसी के नीचे पिलर रहेगा, मतलब एक जैसा वर्किंग रखना होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली सुपर इम्पोजिशन। लेकिन यदि आपका इंक्लिनेशन ऑफ सीम जो है मोर देन 30 डिग्री है, कितना बाबू इंक्लिनेशन ऑफ सीम इज मोर देन 30 डिग्री देन नो सुपर इम्पोजिशन इज रिक्वायर्ड, देन नो सुपर इम्पोजिशन रिक्वायर्ड। ये सब याद रखना बाबू, ये पूछेगा सब ऑब्जेक्ट, नो सुपर इम्पोजिशन इज रिक्वायर्ड। यदि सीम का इंक्लिनेशन जो है झुकाव जो है 30 डिग्री से ज्यादा है तब आपको सुपर इम्पोजिशन करने की जरूरत नहीं। सुपर इम्पोजिशन क्या बताया है कि टॉप सिम का जो पिलर और गैलरी है वो बॉटम सिम के पिलर और गैलरी के ऊपर नीचे रहेंगे, पिलर के ऊपर पिलर, गैलरी के ऊपर गैलरी, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन रहना चाहिए। लेकिन यदि आपका इंक्लिनेशन ऑफ सिम 30 डिग्री से ज्यादा है तो सुपर इम्पोजिशन की जरूरत नहीं है, याद रखना आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, चाहे आप अपर चाहे सेक्शन में काम कर रहे हैं या कंटिन्यूस सिम में काम कर रहे हैं, आपको 3 मीटर का पार्टिंग हमेशा मेंटेन करना है, नॉट लेस देन 3 मीटर। क्या वर्ड बोला, नॉट लेस देन 3 मीटर एवरी टाइम आपको मेंटेन करके चलना होगा, ठीक है। इतना ही मोटा मोटी रेगुलेशन 118 से आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो आपका यदि इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज जो है नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।